सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो दोस्तों, आज बज रहे हैं सुबह के 6:18 और मैं और दिव्या आए हुए हैं पार्क में, और यहाँ पर हम आए इनकी वजह से। ब्रूनो और मैगी को बहुत दिनों से हम पार्क में नहीं लेके आए थे, तो आज फाइनली हम उनको लेके आ गए हैं। और दिव्या को थोड़ा डर लग रहा है, हालांकि उसने लीश अभी नहीं खोली हुई है बुन्नी की, लेकिन मैंने मैगी को ओपन कर दिया है। और अभी मैगी भाग भी गई थी एक पीछे वहाँ पे डॉग की तरफ, बट अभी ओके की रिपोर्ट। अब देखते हैं एक बार मैगी का, थोड़ा सा हंसी मजाक देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अगली चाल की तरफ। ओके सो यार, देखो मज़ा तो इनको तभी मिलता है जब इनको पार्क में लेके आओ और फिर इनको थोड़ा सा ओपन वगैरह करो, तो ये अच्छे से खेलते हैं, पैर वैर खोल लेते हैं। सो वहाँ पर एक डॉग जा रहा है, तो जिसके पीछे मैगी गारंटी जाएगी। तो चलो, अच्छा है कि यहाँ पर मैगी को एक दोस्त मिला है। हालांकि मैगू लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखो देखो, अच्छा खोल दो ना इसे, अगर खेलना ही है तो भागेगा तो नहीं ना इधर उधर। हाँ तो बस खोल दो, खेल लेगा। तो भैया इनको भी खोल रहे हैं अब। इसका क्या नाम भैया? रॉनी मैगी बुन्नी। अरे वाह, रॉनी हुआ खुश। मैगी खेलू कर ले रॉनी के साथ। मैगू खेलू कर ले बेटा। अरे वाह, बुन्नी को ओपन कर दिया तुमने। मैगी खेल लो। रॉनी बुन्नी खेलो बेटा। हाँ खेलो, मेरे पास नहीं, उनके पास खेलो। तो यहाँ पर ही फिलहाल 2-3 हो गए। बुन्नी को थोड़ा सा थकान हो गई, बुन्नी बैठ गया, रॉनी और मैगी लेकिन अभी चौकस है। सो गाइस, ये है यहाँ पर अपना NTPC ग्राउंड, और मैगी वहाँ पर है जहाँ पर उसे एक और डॉग मिल गया है। और यहाँ पर पूरे में बच्चे खेल रहे हैं अपना क्रिकेट वगैरह, तो काफ़ी अच्छा माहौल सा बन जाता है सुबह यहाँ पर आ जाओ तो। बट सुबह आना यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हम लोग उठ तो पाते नहीं हैं यार। बट अभी कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत उठे आ जाएं। और बाकी यहाँ पे मैगी देखो खेल रही है, शायद से इसको एक और डॉग मिल गया यहाँ पे। तो जी हाँ गाइस, एक और इन्हें डॉग मिला है यहाँ पे। ए दीवाने, तेरे फुटबॉल कहाँ है? बाय रॉनी। टाटा रॉनी टाटा। चलो चलो, मत फंस गए दोनों, निकल गए। सो छूटते हैं अब यहाँ से। चलो बुन्नू, हाय बताओ अभी गुर्रा रही है, अभी पिटेगी, चल। सो बुन्नू और मैगी चल पड़े हैं अब घर की तरफ। सो गाइस, बाहर से घूमने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं घर। इवन अभी नहीं, काफ़ी देर हो गई। ये लोग अभी फ़िलहाल सो रहे थे अंदर रूम में, लेकिन बाहर से एक डॉग के भौंकने की आवाज़ आई, तो ये तुरंत ऐसे चौकस होकर आगे थे, तो यहाँ से कूद जाएंगे और जाके उनसे फाइट शुरू कर देंगे। और गाइस, नीचे खड़ी है मेरी बाइक, और जो कि अभी जाने वाली है शॉप पर, क्योंकि बाइक में कई दिनों से यार दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने सोचा है कि अब एक बार दिखा ली जाए। बुन्नू बैठा हुआ है, देखो अलग दिख रहा है नींद। बुन्नू बेटा इन्नो आ लिया है, देखो गया। मैगी ओए मैगी, अंदर जाओ मैगी, अंदर जाओ, चलो बहुत देर हो गई।
गई अंदर। तो गाइस मैगी तो चली गई है अंदर, और अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ बाइक लेके। धूप हो रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़, तो शायद से मैं अपने सनग्लासेस लेके जाऊँगा, जो कि लेके जाने भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप से मेरे को थोड़ी सी यार प्रॉब्लम होने लगती है बाहर जब निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सनग्लासेस लगा रहा हूँ, तो उसकी भी आदत पड़ गई है। वो भी पावर वाले हैं मेरे, नॉर्मल वाले नहीं है। बाकी देन मिलते हैं फिर अपने अगली चाल में, बाय बाय। सो गाइस बाइक तो दे दी है मैंने यहाँ पर अपनी सर्विसेज के लिए, सर्विस के लिए बेसिकली। सो निकलते हैं अब यहाँ से और देखते हैं फिर अपनी अगली चाल किस प्रकार रहेगी। धूप बहुत तेज़ हो रही है यार। सो गाइस वैसे तो टाइम हो रहा है 12:20, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों सोए हुए हैं, और रीज़न यही है कि ये बाहर गए थे और फिर आने के बाद मैगी को तो थोड़ी वॉमिट वगैरह भी हो गई थी, तो ये अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। और मैं जो हूँ बाहर से आज छोले पूरी ले आया हूँ, तो इसमें पूरियाँ हैं हमारी छोले और ये हमारी चाय। और अभी टीवी पर हम लगाएंगे अपना व्लॉग, व्लॉग देखते हुए अपन लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं और मेरी मोटू। फिर मिलते हैं आपसे अगली चाल में। तो हमारे भाई अभिषेक को थोड़ी सी शिकायत थी कि भाई उसके व्लॉग नहीं देखे जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं और दिव्या स्पेशली बैठ के भाई के व्लॉग देख रहे हैं, वो भी टीवी में। तो ठीक है भाई, व्लॉग देखेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा लगा आपका व्लॉग, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगली चाल में। कुछ कहना चाहोगे आप? बबीता सुंदर लग रही है, बबीता सुंदर लग रही है इस लड़की को। सो गाइस मम्मी तो आई थी हमसे मुलाकात करने के लिए, और यहाँ दिव्या ने सारा सामान निकाल दिया अलमारी खोल के कि लो मम्मी ये देखो ये देखो ये देखो, यही सब आता है। वाह पूरा इंटरेस्ट है, दो पजामे एक टॉप ये वो सारे कपड़े सेल लगा लो। और यहाँ पे चल रही है इनकी मरम्मत, ये दोनों अपना अपना प्यार लड़त लेते हुए रोहित से, मज़ा आता है इनको भी लड़त करने में। और आज बहुत दिनों के बाद अनस की एंट्री हुई है, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा मामला? तो गाइस ये एक बहुत अच्छा टॉप लिया था दिव्या ने, जो उसका घुसा ही नहीं बोला है ये देख के काफी अच्छा लगा था हमें। इसको दिखाना सीधा करते हैं, इसको जरा देखो तो सही। हाँ देखा कितना प्यारा है ये, हालांकि ये काफी छेद दूंगी, हालांकि ये काफी चौड़ा है लेकिन क्योंकि इसका फैब्रिक दूसरे किस्म का है, तो फैब्रिक की गलती है गाइस, दिव्या की कोई गलती नहीं है। हाँ, दिव्या एकदम फिट है, पतली दुबली हूं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है हमारा नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो रहा है हमारा 7:00। मैगी बैठी है, मुन्नू कहाँ है? मुन्नू नहीं है ना, मुन्नू नहीं है ना, अच्छा सो रहा है। तो फिलहाल तो मैगी के पास हमने रख रखे हैं यहाँ पे नमक पारे, आ जा मैगी, आ जा मेरे पास, आ जा मैं दूंगा, आ जा। तुरंत ही लड़ाई करने के लिए पहुंच गई थी वो। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 7:50, और बाइक अभी भी मेरी लगभग चल रही है, चल रहा है काम इसमें, और भैया का कहना है कि अभी 1 घंटा करीब और लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ दिव्या है मेरे साथ, थोड़ा घूमेंगे बाहर मार्केट में फिर वापस आएंगे, तब तक छोड़ देते हैं इनके हाल पे बाइक। तो गाइस आ चुके हैं मंडी में सब्जी खरीदने के लिए, तो देखते हैं दिव्या क्या खरीदेगी अब। तो यहाँ बिक रहे हैं आलू, अभी देखते हैं फटाफट क्या लेगी है मोटी। तो यहाँ पर टमाटर छाटती हुई दिव्या जी हमारी, देसी टमाटर 40 रुपए किलो, देसी टमाटर, प्याज आलू टमाटर, देसी टमाटर कितने ले रही हो? देसी टमाटर 40 दो किलो, ओके और निकालो कम पड़ गए। तो दोस्तों टाइम जो है, अबे यार ये टाइम क्यों नहीं आता, क्या मैटर है ये? हाँ आया आया, टाइम हो रहा है 9:14, और अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ अपनी बाइक की डिलीवरी। तो बाइक वैसे तो हो गई है लगभग, अब लेते हैं और चलाएंगे 2-4 दिन, देखते हैं कैसा रहेगा फीडबैक, फिर तो दिक्कत पड़ेगी तो वापस आएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।
उस रूम का? लिविंग रूम का। किस रूम का? लिविंग रूम का। कत्ता सॉरी लाइट बंद हो गई थी गलती से। बच्चा पार्टी है। आजा बुन्नो, आजा मिलो बुन्नो, आजा 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 प्यारी करूंगा प्यारी, आजा बुन्नी आजा प्यारी करूंगा बेटा आजा। वो चला गया, उसे डर लग रहा था मैगी से इसलिए वो चला गया। मैगू खेलू खेलू करेगा मेरे बाबू, खेलू खेलू करेगा, ये लेके आया खेलने के लिए। जा आजा आजा वापिस लेके आ। ओ हीरोइन हीरोइनो तुम हीरोइन हो, हीरोइन कैटरीना कैफ हो, मिला कैटरीना कैफ है मेरे बाबू। सो गाइस आज हमने अपनी स्मार्ट वॉच पहना दी है बुन्नी को, तो बुन्नी बताएगा टाइम। बुन्नी टाइम बता, बुन्नी टाइम बता दे क्या हो गया। बुन्नी नौने पौ रहे, बुन्नी नौने पौ रहे। यहाँ बुन्नी लेटा हुआ है आराम से गोदी में, लाड ले रहा है, घड़ी वड़ी पहन के पूरी सॉलिड बढ़िया से, और यहाँ अपनी हड्डी के साथ लगी हुई है। इसको एक बोन दे रखी है, ये उसमें अड़ी हुई है जब से, छिलका इधर उतार दिया, इधर अपना कुछ लगी पड़ी है। मैं को क्या कर लिया बेटा, फोन खा रहा है अपना, चल करता रहे। देखो मैगी का नाम दिया ना, देखो आके देखो इसकी कैसी हो गई। देखो मैगी का नाम दिया तो आके देखो, डर के हमारे अब मैगी आएगी मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी। नहीं आएगी मैगी रे पगले, नहीं आएगी मैगी, टेंशन मत ले, घड़ी पहन रखी है, मजे ले मजे। सो गाइस टाइम हो चुका है 10:25 और इस वक्त हमारा चल रहा है डिनर, जहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार का खाना रखा है, अपने आप समझ लो, आज बताऊंगा नहीं मैं। और मोटू भी हमारे साथ है और रोहित भी हमारे साथ है, तो फटाफट करते हैं डिनर और मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली चाल में। सो गाइस अगली पिछली सारी चालें खत्म करते हुए मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और फिर गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।